हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। सपोज 2 केजी ऑफ शुगर कंटेंट्स 9 × 10⁶ क्रिस्टल्स। मान लीजिए 2 किलो चीनी के अंदर इतने सारे क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल यानी उनके दाने। हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg शुगर एंड 1.2 kg शुगर। दो चीज़ें पूछी आपसे कि 5 किलो चीनी के अंदर कितने दाने होंगे और 1.2 kg के अंदर कितने दाने होंगे। तो जो दो चीज़ें इसके अंदर दे रखी है वो हैं, एक तो शुगर किलोग्राम में और एक उनके क्रिस्टल्स, यही हमें यहाँ पे लिखनी है। तो वेट ऑफ शुगर ये किलोग्राम में है और दूसरा है नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। अब गिवन दिया है कि 2 केजी शुगर के अंदर क्रिस्टल्स हैं 9 × 10⁶। आपसे पूछा है कि बताइए कि 5 केजी शुगर के अंदर कितने क्रिस्टल होंगे। नंबर वन ये, नंबर टू पे पूछा है कि 1.2 केजी के अंदर कितने क्रिस्टल्स होंगे। दो चीज़ें पूछी आपसे, तो ये जो आपको निकालना है इन्हें हम लेट कर लेते हैं। तो लेट नंबर ऑफ क्रिस्टल्स इन 5 kg शुगर इज इक्वल टू एक्स। 5 kg वाले को मैं एक्स मान लेता हूं। अब देखिए, ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है दोनों चीजें, शुगर का वेट और नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। जब 2 किलो चीनी के अंदर इतने क्रिस्टल होंगे तो 5 केजी जो शुगर होगी उसके अंदर क्रिस्टल्स ज्यादा होंगे। तो जैसे हम किलोग्राम बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी बढ़ेंगे। तो ये दोनों चीजें ना आपके इसके अंदर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो पहले तो हम यही लिखेंगे यहां पर, वेट ऑफ शुगर एंड नंबर ऑफ क्रिस्टल्स आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देयरफोर जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो ये वाली रेशियो इन दोनों की रेशियो और इनकी रेशियो आपस में बराबर होगी। तो देयरफोर 2/9 × 10⁶ बराबर होगा 5 × x के। बस यहां से x की वैल्यू निकाल देंगे हम सॉल्व करके, पता चल जाएगा 5 केजी शुगर के अंदर कितने क्रिस्टल्स होंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × x इज इक्वल टू ये 5 × 9 × 10⁶। अब मुझे निकालनी है x की वैल्यू, तो यहां मैं x को अकेला छोड़ दूंगा, इधर ये एज इट इज रहेगा 5 × 9 × 10⁶ और x के पास 2 जो ये मल्टीप्लाई में है ये यहां पर आकर डिवाइड में चला जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये मैं 9 × 5 = 45 हो गया ऊपर, तो 45 × 10⁶ और नीचे है ये 2, और 45 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 22.5 और आगे चल रहा है × 10⁶। ये मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चल रहा हूं। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म मेरी एक्चुअली तब बनेगी तब मैं इस डेसिमल को यहां ले जाऊंगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए ना आपको पॉइंट से लेफ्ट में सिर्फ एक नंबर की जरूरत होती है। तो जब मैं डेसिमल एक स्टेप इधर मूव करूंगा यानी 2.25 बनाऊंगा तो यहां 10⁷ हो जाएगी, क्योंकि जब इसको एक बार 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहां पे पॉइंट है ना, जब इसको एक बार 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो स्टेप यहां पे आएगा। तो मैंने तो इसको डिवाइड किया है तो एक 10 यहां पे एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो ये तो है वो आंसर, ये वो क्रिस्टल्स हैं जो आपकी 5 kg शुगर के अंदर है। तो पहला आंसर तो ये है, ये फर्स्ट का आंसर है 5 kg वाले का, 2.25 × 10⁷ क्रिस्टल्स। अभी इसके अंदर दूसरा भी है, जो दूसरा पार्ट है उसमें पूछा है आपसे 1.2 kg में कितने क्रिस्टल्स होंगे। तो 1.2 के लिए आपको फिर लेट कर लेना, इसमें वाई लेट कर लेना। ये अब हम सेकंड पार्ट के लिए क्वेश्चन करेंगे। तो लेट
नंबर ऑफ क्रिस्टल्स इन 1.2 केजी शुगर इज इक्वल टू, ये मैं वाई मान लेता हूं, तो क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 2 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 6, ये जो रेशियो है ये बराबर होगा 1.2 अपॉन में वाई के। अब सॉल्व करके यहां से वाई की जो वैल्यू है वो आपकी निकल आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2y इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई 9 इंटू 10 की पावर 6। अब y मुझे यहाँ निकालना है तो ये 2 इधर चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, इंटू 9 इंटू 10 की पावर 6, और ये 2 चला गया यहाँ पर डिवाइड में। सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 1.2 से कट जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.6 आ जाएगा, और यहाँ 0.6 की 9 से मल्टीप्लाई होगी तो 6 9 जार 54 हो गया, और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो पीछे से एक नंबर छोड़कर यहाँ डेसिमल लग गया, और इनटू में 10 की पावर ये 6, यही आपका आंसर है। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आ गया है क्योंकि पॉइंट से लेफ्ट में सिर्फ एक ही नंबर है, तो जो सेकेंड वाला है यानी 1.2 केजी शुगर के अंदर जो क्रिस्टल्स हैं वो है 5.4 इंटू 10 की पावर 6 क्रिस्टल्स। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।